नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं प्रशांत पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं सेक्टर 93 गुड़गांव में एक और नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिग्नेचर ग्रोवर ग्रुप के नए प्रोजेक्ट ऑर्चिड एवेन्यू 2 के बारे में। आज मैं कराऊंगा इस पूरे प्रोजेक्ट की साइट विजिट और बताऊंगा इस पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी साइट विजिट को। हम लोग अपनी साइट विजिट को गुड़गांव के सेक्टर 83 में बने हयात रीजेंसी होटल के सामने से स्टार्ट करेंगे, जो NH-8 पर बना हुआ है। अगर आप देख रहे हैं मेरे पीछे हयात रीजेंसी बना हुआ है, अभी हम लोग NH-8 पर खड़े हुए हैं हल्दीराम के टोल टैक्स को क्रॉस करने के बाद। हम लोग अपनी साइड विजिट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग अपने ऑडोमीटर को यहाँ से जीरो कर लेते हैं। हमारे राइट साइड में ये हयात रेजेंसी और सेक्टर 83 है। हम लोग इसको क्रॉस करके आगे चलेंगे। मानेसर यहाँ से 5 किलोमीटर है। और जैसे हमने हयात रेजेंसी होटल को क्रॉस किया तो फर्स्ट फ्लाईओवर मिला है। हम लोग इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे। और ये फर्स्ट फ्लाईओवर लेने के बाद में जो सेकेंड फ्लाईओवर है हम इसके ऊपर नहीं चढ़ेंगे, और इसके नीचे से हम लोग राइट लेफ्ट लेके नीचे से फ्लाईओवर के नीचे एक्सट्रीम राइट लेंगे। और सामने आप देख रहे हो कि सेकंड फ्लाईओवर है। हम लोग यहाँ से स्लाइड लेफ्ट लेंगे और स्लाइड लेफ्ट लेने के बाद हम लोग फ्लाईओवर के साथ साथ नीचे से चल रहे हैं। और अब हम लोग फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न लेंगे। इस पॉइंट को हम लोग रामपुरा चौक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से अगर हम लोग लेफ्ट लेते हैं तो सेक्टर 78, 79, 77 सेक्टर के लिए हम लोग जा सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ से राइट लेंगे तो हम लोग सेक्टर 81, 82, 85, 86, 93 सेक्टर के लिए हम लोग जा सकते हैं। और हमने फ्लाईओवर के नीचे से हमने ये राइट टर्न ले लिया। राइट टर्न लेने के बाद में आप देखेंगे मेरे लेफ्ट साइड में हम लोग अपने जो प्रोजेक्ट ऑर्चिड एवेन्यू की साइड पे जा रहे हैं उसका बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। और ये हमारे लेफ्ट साइड में बेस्टेक का पार्क व्यू आनंदा प्रोजेक्ट है। इसके बाद में पार्क व्यू ग्रैंड स्पा है आपका बेस्टेक का। NH-8 पे रामपुरा चौक से हम लोग अभी लगभग 2 किलोमीटर आ गए हैं। और 2 किलोमीटर आने के बाद में ये एक बिग राउंड अबाउट आता है जो आपका जिसको हम लोग मल्टी जो ये रास्ता जो है यहाँ से हम लोग राइट लेते हैं तो हम लोग द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए जाते हैं। इस रोड को मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर भी कहते हैं। हमने यहाँ से स्ट्रेट लेना है। मेरे राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो ये RPS इंटरनेशनल स्कूल है। और हमारे लेफ्ट साइड में अब सेक्टर 93 है। अगर आप ऊपर बोर्ड देख रहे हैं तो सिग्नेचर ग्लोबल के यहाँ पे ऑर्चिड एवेन्यू 2 का बोर्ड लगा हुआ है। Thank you.
राउंड अबाउट से हम लोग लगभग 1 किलोमीटर आगे आ गए और हम लोग यहाँ से लेफ्ट टर्न करेंगे। और लगभग 200 मीटर चलने के बाद में हम अगेन लेफ्ट लेंगे। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 93 में आता है। बेसिकली ये जो यहाँ पर जो विलेज लगता है वो विलेज हयातपुर लगता है। और हमने यहाँ से राइट टर्न ले लिए हैं और ये हम लोग सामने जो अपार्टमेंट आप दिख रहे हैं ये ऑर्चिड एवेन्यू 1 है। इसी से जस्ट एडजॉइनिंग लैंड जो है वो ऑर्चिड एवेन्यू 2 की है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 93 में अपनी साइड ऑर्चिड एवेन्यू 2 के। अभी आप अगर मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये ऑर्चिड एवेन्यू 1 है जो लगभग 2.5-3 साल पहले प्रोजेक्ट आया था और ऑलमोस्ट नियर पोजीशन है, विद इन ईयर इसका पोजीशन मिल जाएगा। और अभी कंपनी जो है सिग्नेचर ग्लोबल जो है इसने अपने दूसरे प्रोजेक्ट जो इसके साथ में, अगर मेरे पीछे लैंड देख रहे हैं आप, ये लैंड है जो एडजॉइनिंग लैंड है, यहाँ पर अपने दूसरे प्रोजेक्ट को लेके आई है जिसका नाम है ऑर्चिड एवेन्यू 2। ये दोनों ही प्रोजेक्ट आसपास बिल्कुल जुड़े हुए प्रोजेक्ट है, इसकी जो मेन एंट्री होगी वो एक साथ होगी। और अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर फ्यूचर इनका कमर्शियल प्रोजेक्ट यहाँ पे आएगा। बात करते हैं सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप के बारे में। सिग्नेचर ग्लोबल जो है 2014 में अपने पहले अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को ले गया था सेक्टर 107 में सुलेरा के नाम से। तब से लेकर अभी तक सिग्नेचर ग्लोबल के लगभग 10 प्रोजेक्ट गुड़गांव के अंदर रेजिडेंशियल और 10 प्रोजेक्ट कमर्शियल के अंदर आ चुके हैं। इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं सेक्टर 107 में जो सुलेरा के नाम से था, फिर सुलेरा 2 एक आपका 107 में दोबारा कंपनी ने एक लाया फेज 2 के नाम से। इसके बाद कंपनी का एक प्रोजेक्ट सेक्टर 103 में ग्रैंडीवा के नाम से है। सेक्टर 37D में इनके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, मिलेनिया 1 और मिलेनिया 2 के नाम से। इसके अलावा सेक्टर 81 में सेरेना के नाम से एक प्रोजेक्ट है इनका। इनका एक प्रोजेक्ट सेक्टर 71 में एंडियोर हाइट्स के नाम से है। इसके बाद इनका एक सोहना में प्रोजेक्ट है आपका सेरेनास के नाम से। इसके बाद इन्होंने रिसेंटली लो राइज फ्लोर्स बनाए हैं जो दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत इन्होंने फ्लोर्स बनाए हुए हैं। इनके जो फ्लोर सोहना में आए हैं जो सिग्नेचर ग्लोबल पार्क के नाम से, वो स्टिल प्लस 3 फ्लोर्स के हैं। इनका एक प्रोजेक्ट सेक्टर 93 में ऑर्चर्ड एवेन्यू के नाम से था और अब इनका जो है एक और प्रोजेक्ट आया हुआ है ऑर्चर्ड एवेन्यू 2 के नाम से। ऑर्चर्ड एवेन्यू 2 जो है इसका जो लाइसेंस है वो सिग्नेचर बिल्डर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है। ये प्रोजेक्ट एक 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 720 अपार्टमेंट है जिसके अंदर 684 अपार्टमेंट जनरल पब्लिक के लिए हैं और जो 36 अपार्टमेंट है वो मैनेजमेंट कोटे के अंदर है। इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस नंबर 51 है जो इनको मार्च 2019 में मिला हुआ है। इसके बाद इनका जो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल है वो इनको अगस्त 2019 में मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट का जो रेरा नंबर है वो भी 51 है और जो इनको 9 सितंबर 2019 को मिला हुआ है। ये प्रोजेक्ट एक 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर टोटल 7 टावर हैं। इसमें एक टावर जो है उनका वो स्टिल्ट प्लस 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, बाकी जो टावर्स हैं वो ग्राउंड प्लस 14 और ग्राउंड प्लस 13 फ्लोर की बिल्डिंग है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 4 टाइप के 2 BHK और 1 टाइप का 3 BHK अपार्टमेंट है। इसके जो साइजेस हैं 2 BHK टाइप 1 जिसके अंदर 170 अपार्टमेंट है, जिसका कारपेट एरिया 539.38 स्क्वायर फीट का है, जिसका बालकनी एरिया 78.11 स्क्वायर फीट का है, जिसका टोटल कॉस्ट 21,96,593 रुपीज़ है। 2 BHK टाइप 2 जिसके अंदर टोटल 170 अपार्टमेंट हैं, जिसका कारपेट एरिया 603.67 स्क्वायर फीट का है, बालकनी एरिया 76.05 स्क्वायर फीट का, जिसका टोटल कॉस्ट 24,52,737 है। 2 BHK टाइप 3 जिसका टोटल यूनिट 170 अपार्टमेंट है, जिसका कारपेट एरिया 594.91 स्क्वायर फीट, बालकनी एरिया 70.84 स्क्वायर फीट, जिसका टोटल कॉस्ट 24,15,088 रुपीज़ है।
2 BHK टाइप 4 जिसमें टोटल 170 अपार्टमेंट हैं, जिसका कारपेट एरिया 577.11 स्क्वायर फीट, बालकनी एरिया 79 स्क्वायर फीट, जिसका टोटल कॉस्ट 23,47,962 है। इस प्रोजेक्ट का जो पेमेंट प्लान है जिसमें आपको बुकिंग के टाइम पे 5% अमाउंट, अलॉटमेंट पर 20% और जो 75% का अमाउंट है वो 12.5% की 6 किस्तें बनेंगी जो आपके हर 6-6 महीने में 36 महीने तक जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी सेंटर और 2000 स्क्वायर फीट का क्रच एरिया है। इसके साथ ही टोटल प्रोजेक्ट एरिया का 4% कमर्शियल एरिया है जिसके अंदर शॉप्स वगैरह आएंगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको मिल सकती है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हर अपार्टमेंट के साथ में एक डेडिकेटेड 2-व्हीलर पार्किंग स्पेस और 4-व्हीलर की सफिशिएंट पार्किंग होगी, बट वो किसी को अलॉट नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर सफिशिएंट आपका किड्स प्ले एरिया और ग्रीन एरिया भी है। मैं आपको साथ ही साथ ऑर्चर्ड एवेन्यू 1 के सैम्पल फ्लैट का वीडियो भी मैं बना रहा हूँ और इसके सैम्पल फ्लैट का वीडियो मैं डाल रहा हूँ ऊपर, आप आई बटन पर क्लिक करके सैम्पल फ्लैट का वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नियर बाय प्रोजेक्ट्स और सराउंडिंग डेवलपमेंट्स के बारे में। आप लोग मेरे अगर राइट साइड में देख रहे हैं तो यहाँ पर सेक्टर 90 है, यहाँ पर डीलफ के न्यूटन हाइट्स प्रोजेक्ट है आपका। मेरे अगर पीछे साइड में, अगर आप मेरे पीछे साइड में देखते हैं तो बेस्टेक का संस्कृति अपार्टमेंट है सेक्टर 92 में। साथ ही साथ सेक्टर 91 में आपका मैसियो प्रोजेक्ट है अनंत राज ग्रुप का और अंसल एपीआई का फर्नल अपार्टमेंट है। इस प्रोजेक्ट की जो एंट्री है वो एक 24 मीटर रोड से है, जो अगर आप मेरे पीछे साइड में आप बोर्ड देख रहे हैं इसके जस्ट बैक साइड से वो 24 मीटर का रोड निकलेगा। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप मेरा ये वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ में रेड बटन को दबा दीजिए जिससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी नई लोकेशन पर नए प्रोजेक्ट के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।